आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स, जिसमें ऐड करने के लिए आधा किलो ये नूडल्स है घर का बना हुआ, मैंने मशीन में बनाई हूँ इसको। और इसमें ऐड करने के लिए इधर पाव किलो कीमा है, कीमा भी इसमें जाएगा। और ये आधा किलो से ज़्यादा लॉन्ग राइस है, इसको मैंने पहले से धो ली हूँ और इस तरह से सुखा लेना है। और इसमें ऐड करने के लिए इधर पाव किलो पत्ता गोभी मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ, और पाव किलो ये गाजर है, पाव किलो ये फरसी भाजी है, सब इसमें ऐड होगा। और इधर पाव किलो टमाटो मैंने काटी हूँ, और इधर 10 से 12 ये हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, ये भी ऐड होगा। और इधर मसाले में 2 चम्मच लाल भूखी मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, और 2 चम्मच छोटा चम्मच नमक है, और 2 चम्मच ये गरम मसाला पाउडर है, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, ये सब इसमें ऐड होगा। और आज हम नूडल्स के साथ आज चावल भी ऐड करेंगे, ये लॉन्ग राइस में ऐड होगा बना करके। अब हम पकाने की तैयारी करेंगे, और इस तरह से तैयारी कर लेने से खाना बनाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से पहले से आज तैयारी कर ली हूँ। और ये देखिए ये चिल्ली सॉस है, और ये सीजनिंग है, ये सब उसमें ऐड होगा। अब इधर देखिए चावल के लिए मैंने पानी गर्म होने को चढ़ा दी, पानी गर्म हो गया, इधर टोप भी गर्म हो गया है, टोप चढ़ा दी हूँ। इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, चावल हम ज़रा बघार लेंगे तो टेस्टी नूडल्स बनेगा। और थोड़ा तेल भी ऐड करेंगे, गर्म होने देना है। अब ये देखिए तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा चावल के लिए नमक ऐड कर देंगे, एक मिनट तक भूनना है। और देखिए चावल भून के हो गया, तो इधर मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी उबल गया है, पानी ऐड कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा चावल। चावल को 90% ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये देखिए इधर मैंने बड़ा सा टोप चढ़ा दी है, और मेरे पास ये नूडल्स है, इसको पहले भूनना है, क्योंकि नहीं भूनेंगे तो ये आटा बन जाएगा। आटे से बना हुआ है, रवे से और क्या बोलते हैं उससे बना हुआ है, मैदे से बना है। जब तक ये ठंडा होगा इधर हम पानी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। 2 लीटर पानी ऐड करना है, देखिए 2 लीटर पानी है, इसको अच्छा गर्म होने देना, उबलने देना, उसके बाद में हम इन नूडल से उसको ऐड कर देंगे इसमें उबलने के लिए। अब ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा दूध है, और ये पीला कलर है, मिल जाएगा। और इधर ऑरेंज कलर है, तो दोनों मिक्स करके ऐड करेंगे। चावल देखिए हो गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कलर, कलरफुल बनाएंगे नूडल्स। थोड़ा सा और आधी मिनट के लिए और रखेंगे चूल्हा पर खास करके। अब ये देखिए चावल बनके हो गया तैयार, अब इसे हम हटा लेंगे यहाँ से। अब चढ़ा दी हूँ, तो गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है कीमा भुनने के लिए। तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अभी देखिए फोरन हो गया, अब यहाँ पर हम कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर कीमा काट देंगे, मेरे पास मसाला है, मसाला ऐड कर देंगे।
इसमें 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अभी देखिए इधर पानी गर्म हो गया है, चूल्हा एकदम खास रखना है और हमारे पास इसको हम एक उबाल अच्छा उबालेंगे। पाँच मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अभी देखिए कीमा भून के हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और 3 मिनट के लिए पका लेंगे, थोड़ा खास रखेंगे यहाँ पर। देखिए ब्राउन कलर का हो गया, इसमें सभी भाजी को ऐड कर देंगे। अब ये हक्का नूडल्स का मसाला है, ये पूरी पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नूडल्स है तो इसके लिए पूरी पैकेट इसमें ऐड करना है। अब ये कीमा भी देखिए अच्छे से पक गया टमाटर के साथ। अब ये कीमा को चूल्हा में यहाँ पर बंद कर देंगे और इधर ये भाजी भी भूनते हो गया, हम ये कीमा को इसमें ऐड कर देंगे। और इधर मेरे पास मसाला है, हक्का नूडल्स का मसाला, ये सब ऐड कर देंगे यहाँ पर। चिल्ली फ्लेक्स है, तीन मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। अभी देखिए कीमा और सब्जी भून के हो गया, अच्छे से तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम मेरे पास नूडल्स है, इसे ऐड कर देंगे। और ये एक सिंगापुर की डिश है, ये रेसिपी का नाम है सिंगापुर राइस नूडल्स। और ये वाले नूडल्स से आप चाहे तो थोड़ी सेवई भी बना के खा सकते हैं, शक्कर में शक्कर दूध सब डाल करके इसे बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसको 1 मिनट तक भूनेंगे चूल्हा खास रख कर। इसके पास ये बारीक कटी हुई हरी धनिया है, तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है। और यहाँ मेरे पास बघारा हुआ चावल है, लॉन्ग राइस है, इसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए नूडल्स बनके हो गया तैयार। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये देखिए प्लेट में हम सजा लेंगे। सॉस है, इसे हम ऐड कर देंगे। नो 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 नो
नहीं बोलते नहीं काम करने दोगे दादा को, ऐसा रख दूं ठाकुर दीपा को मैं ऊपर जरा बड़ा बड़ा काम सब मैं कर लूं जरा, दोनों पैर ही मेरा जाम कर देता, हिल ले नहीं देता। एक बता अब मैं कैसे चलूं? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।